बेटे बाय बाय। अरे राम राम ताई, राम राम। कैसा है सब कुछ गांव में? सब खैरियत है? भाई साहब राम राम। वीडियो के भेजा हूँ थोड़ा आपके पास, थोड़ा बढ़िया से रेज्यूम बनवा दीजिए, थोड़ा बढ़िया से नौकरी लगवा दीजिए, ठीक है ना? रेज्यूम नहीं ताई जी, रेज्यूमे रेज्यूमे। जैसे पहले तो घर से भूल गया था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर काम भी कर रहा था कारपेंटर का, तो थोड़ा बहुत कुछ पैसे भी भेज देता था घर के। अब तो जो है परदेश गया है, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। तू चिंता ना कर ताई, करमवीर लोगों को कोई नहीं रोक सकता। अरे पंडित जी, जीते रहे गुल्लू, जीते रहे। पंडित जी आप तो बाहर ही मिल गए। हाँ हाँ, क्या हाल है? बढ़िया। सच बात बोलो। बोलो बोलो। आप तो बिल्कुल बड़े लोग बनाए हो, बिल्कुल महापुरुष की तरह। बेटे महापुरुष बड़े लोग नहीं होते, करमवीर लोग होते हैं। अच्छा। बड़ा थका नजर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अरे पंडित जी अभी एक काम चालू कर दिया न्यूज पेपर बांटने का। अच्छा अच्छा। सोचा ताई को इस बार थोड़े पैसे भेज दूंगा। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। ये लो आखिरी न्यूज पेपर बचा आपके। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ताई को कॉल आया था, तेरा रेज्यूमे बनवाना है हमने। पंडित जी आ जा बेटा, बढ़िया से रेज्यूमे बनवाते हैं। आ जाइए। पहला स्टेप होता है जिंदगी में जो भी तूने किया है, जीवन में जो भी तूने किया है, सोच और लिख दे। करेगा? हाँ करते हैं। तो ये ले पेन, ये ले कागज और ये ले कलम और इसको सोच के लिख दे। जिंदगी में क्या क्या किया है? बिल्कुल भैया, हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, हमने नहीं किया। अरे गुल्लू सोच तो सही, ये जो भी तू लिखेगा उसी में से हम माल मसाला निकालेंगे जिससे हम तेरा रेज्यूमे बनाएंगे। सोच के लिख। मजाक मत कर यार, और सोच, ये ले तो कागज और दोबारा से सोच के ले कि तूने जीवन में क्या क्या किया है, वो उठा कर। भैया और क्या लिख सकते हैं? बेटे दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया होता। तू ऐसी चीजें सोच, ऐसी चीजें लिख जिससे तेरी खूबियां या क्वालिटीज बाहर निकले। देखिए भैया आपको तो पता है जिंदगी में हमने बहुत कुछ किया, पर क्या सीवी में लिखना अच्छा होता है, सही होता है? ऐसी चीजें सोच के ले जिससे नौकरी देने वाले को ये लगे कि तू नौकरी के लिए एकदम सही है और तेरा एकदम से सिलेक्शन हो जाए। जैसे मतलब क्या लिख सकते हैं? अरे याद आया, याद है 10वीं के बाद तूने वो पार्ट टाइम में पेंटिंग का काम किया था, तू घर पेंट किया करता था घर पे पैसे भेजने के लिए, वो क्यों नहीं लिख रहा? पर भैया ये भी तो सोचो, ये बहुत ही छोटा काम है, इसे कैसे सीवी में डाल सकते हैं? गुल्लू मेरे बच्चे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। याद है उस टाइम पे तेरे सारे दोस्तों गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे थे और तू बेचारा गर्मी में बैठा हुआ मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा था। तेरे जैसा ही तो करमवीर चाहिए होता है सब कंपनियों को। अरे भैया हमने तो दो लौंडों को उसी टाइम पेंटर जी का काम सिखा दिया था 2 दिनों में। ओ तो इसमें से निकल के आता है लीडरशिप एबिलिटी, टीम प्लेयर, मेंटरिंग एंड डेवलपमेंट, हार्ड वर्कर। गांव में क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एज अ कैप्टन सेलेक्टेड तो मैच भी जिताया था। ओ गुलुआ क्रिकेटर है। टीम लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एंड टैलेंट एज वेल। अरे गुल्लू बेटी तू तो बहुत बड़ा तैराक भी तो है, गांव का सबसे मशहूर। याद है उस टाइम पे तूने नदी एक बार में पार कर दी थी? अरे भैया पूछो मत, पूरा बदन कांप गया था, शरीर दर्द हो रहा था। ओ एक्सपर्ट स्विमर, क्रॉस्ड 500 मीटर
वाइल्ड रिवर इन वन गो। अरे भैया, हमने कंप्यूटर कोर्स भी किया था और उसका सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। क्या बात है गुल्लू, मतलब कंप्यूटर ट्रेंड भी है तू। ये भी मैं लिखूंगा तेरे रेज्यूमे के अंदर। वाह गुल्लू वाह, देख कितना कुछ मिल गया तेरे रेज्यूमे में डालने के लिए। क्या बात है। पर भैया एक बात बताओ, यहाँ तो मैंने इस पेपर पे सब कुछ लिख दिया, पर रिज्यूमे में ये कैसे डालेंगे हम सब? अरे गुल्लू टेंशन ना लेना, पर एक काम कर यार, थक बहुत गए हैं, जल्दी से जा और मशीन से ना तुम गर्मा गर्म कॉफी लेके आ जा। अब आप सुनिए। जी हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं अब आपकी बारी है। आप भी आए हैं लड़के लड़कियों यहाँ सीवी बनाने के लिए, तो सुनिए पहला स्टेप और इसको अब आप करिए। कागज लीजिए दो तीन और उसमें सोच सोच के लिखिए कि आपने जिंदगी में जीवन में क्या किया है, और ऐसी बातें जो नौकरी देने वाले को जरूरी हो। और कभी ऐसा नहीं सोचना, कभी ऐसे नहीं बोलना कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। हम सब ऊपर वाले के बच्चे बच्चियां हैं, हम में सब में कुछ एक ऐसी बात है जो सीवी और रेज्यूमे में डाली जा सकती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सब माल मसाला मिला है, इससे हम एक बहुत अच्छा सीवी कैसे बनाएं, एमएस वर्ड के ऊपर हम एक अच्छा सा सीवी किस तरीके से बनाएं। तो देखते रहिए इन वीडियोस को और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना जोश कोश के चैनल को। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।